Hello, what's going on? Most of your own YouTube channel, Nikhil Classes. This is Instructor Nikhil sir, back with a very new video lecture. बच्चा आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका चैप्टर नंबर 17 जो कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th का वो स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है, इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इस पूरे एक्सरसाइज को किस तरीके से सॉल्व करना है, ये एक्सरसाइज बनने के पीछे मोटिव क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री यूनिट का एंड दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड टेबल्स, वो हमने वीडियो लेक्चर बना करके अपलोड कर दिया, जा करके आप जरूर देखें और प्लेलिस्ट को जरूर आप एक बार एक्सप्लोर करें। फिलहाल आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका लास्ट वाला पार्ट है, दो ही यूनिट, इस यूनिट में दो ही पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस, और वो अभी हम जा रहे हैं कवर करने आपका। तो जब बच्चा आप देखोगे हाइट एंड डिस्टेंस, तो सिंपल से आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि सर क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पर होगा और किसी डिस्टेंस पर होगा, क्या होगा सर उसमें हाइट होगा और क्या होगा डिस्टेंस होगा। तो ये बताइए सर क्या डिस्टेंस केवल हॉरिजॉन्टली नीचे ही होगा, तो नहीं सर यहाँ भी हो सकता है। इस तरीके से क्या हो सकता है हाइट एंड डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है, तो यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हाइट पर है, पहली चीज़ कहाँ ये हाइट पर है, और दूसरा ये कहाँ पर है डिस्टेंस है। यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है और यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है, दोनों बीच के बीच में क्या डिस्टेंस है, और वो दोनों किस पर हैं हाइट पर हैं। अब जैसे ही ये चीज़ तो आपको नॉर्मली पता चल गई कि हाइट क्या होता है डिस्टेंस क्या होता है, तो नॉर्मली पता ही होता है। सर आपने क्या नया बता दिया, अब नया बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ना आपको दो चीज़ें पढ़नी है, फर्स्ट वन इज एंगल ऑफ एलिवेशन, तो सर ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चा एंड दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप कहोगे सर डिप्रेशन में तो लोग जाते हैं उसका कौन सा एंगल होता है, डिप्रेस होते हैं लोग ना, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। डिप्रेस का मतलब कॉम्प्रेस करना, डिप्रेस करना इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्रेस करना मतलब किसी ऑब्जेक्ट को दबाना। अब समझो जैसे अगर हम बात करें एंगल ऑफ एलिवेशन का, तो ये क्या होगा सिंपल से, मैं आप ये समझो यहाँ पर खड़े हैं राजू भैया, कौन खड़ा है यहाँ पर खड़े हैं राजू जी, ये इनका हाथ हो गया, ये इनका पैर हो गया, यहाँ पर राजू जी खड़े हैं। अब ये ज़मीन पर खड़े होंगे इस तरीके से, है ना, लेकिन इनका जो आँख है सुंदर सुंदर सा प्यारा प्यारा सा जो आँख है उसका लेंथ क्या है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं अगर देख रहा हूँ तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो हम क्या रखेंगे स्ट्रेट रखेंगे। तो अब मैं सीधा देख रहा हूँ तो जो डिस्टेंस होगा, ध्यान देना, जो डिस्टेंस होगा वो मेरे आई से कवर किया जाएगा या फिर मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ से, नहीं तो वो कहाँ पर लिया जाएगा, उसी हाइट पर लिया जाएगा जहाँ पर मेरी नज़रें हैं। तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, क्या हो जाएगा सर इस तरीके से, इसका मतलब राजू भैया कहाँ देखेंगे, राजू भैया सामने देख रहे होंगे, ये चीज़ आप समझो ठीक। अब सर इसमें एलिवेशन कहाँ से आया और डिप्रेशन कहाँ से आया, तो अभी ये भी चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बहुत आराम से आप समझो, है ना, बहुत आराम से आप इस चीज़ को समझिए। अब यहाँ पे राजू भैया खड़े हैं, लेकिन पता है अचानक से ना इनको दिखा क्या, अचानक से इनको दिखा कि ऊपर से जा रही है एक चिड़िया, ऊपर से कौन जा रही है सर, एक चिड़िया जा रही है, बर्ड जा रही है, मुझे बनाने तो नहीं आता लेकिन चलो मान लेते हैं कुछ इस तरीके की चिड़िया रही होगी, ऐसा ऐसा मान लेते हैं कोई चिड़िया है, ये क्या मान लेना चूहा लग रहा है और चिड़िया मान लेना कि क्या है सर, ये मान लेते हैं कोई बर्ड है ना, कोई बर्ड है। अब राजू भैया को ये चिड़िया बड़ी अजीब सी दिखी जो कि है भी, है ना, अब इन्होंने क्या किया इस चिड़िया को देखा, तो जब ये चिड़िया को देखेंगे तो कहाँ से देखेंगे, अपने आँख से ही देखेंगे, तो जाहिर सी बात है ये कहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लो मैं सामने देख रहा हूँ अचानक से मुझे ऊपर कुछ अजीब सी चीज़ दिख गई, एरोप्लेन दिख गया, तो मैं इस तरीके से ऊपर देखूंगा ना, तो हमारी आंखों से वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ एलिवेशन। तो अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखना स्टार्ट किए इस तरीके से, यहाँ से क्या देखे चिड़िया को देखना स्टार्ट कर दिया आपने या इन्होंने। अब जैसे मान लेते हैं कि ये इनका जो आँख है यहाँ पर, ये आपका क्या हो गया लेंथ हो गया, अभी यहाँ से इसको देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या बन जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये बताइए कि आपने एरो इस तरीके से क्यों किया, तो एरो इस तरीके से इसलिए किया क्योंकि मैं ऐसे देख रहा हूँ और फिर मैंने कहाँ देखा ऊपर देखना स्टार्ट किया, यानी कि क्या हो गया एंगल इस तरीके से बनेगा। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो समझो, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ये इसका ऑर्डिनेट होता है, ये क्या होता है बच्चा इसका ऑर्डिनेट होता है ना, इसमें फर्स्ट में क्या होता है दोनों वैल्यूज पॉजिटिव यानी ऑल पॉजिटिव होता है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस ये एक्स डैश होता है ये वाई डैश होता है, तो इधर जितनी भी चीज़ें आती हैं सब पॉजिटिव होता है, इधर आएगा तो एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है वाई एक्सिस पॉजिटिव, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाता है, ये क्या हो जाता है बच्चा क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस हो जाता है, थर्ड में क्या होता है दोनों माइनस माइनस होता है, फोर्थ में क्या होता है एक्स एक्सिस प्लस और ये माइनस, इस तरीके से
है ना। तो अभी क्या जा रहा है, तो देखो जब भी देखेंगे यहाँ से ये इस तरीके से एंगल जाएगा, ठीक, यानी क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। डिप्रेशन क्या होगा, डिप्रेशन होगा जब ये नीचे की तरफ देखेंगे इस तरीके से, है ना, जब नीचे की तरफ देखेंगे तब इस तरीके से। तो ये आपका हो गया बच्चा एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसी को आप मान लो ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक आपका पूरा ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यानी जहाँ पर चिड़िया है और जहाँ पर इनकी नज़रें हैं वहाँ से क्या कर लो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। इसको कोई पॉइंट नाम एम दे दीजिए आप, तो जो एंगल होगा एंगल बी ओ एम या एंगल ओ बी एम क्या हो जाएगा, ए बी एम, एंगल ए बी एम जो होगा यही आपका क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है, तो सर आप एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बता दीजिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। पहले सब लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपको समझ आया कि नहीं आया, है ना। फिर हम क्या पढ़ेंगे सर, अब हम देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जैसे मान लीजिए क्या हो रहा है कि यह है आपका कोई बिल्डिंग इस तरीके से कोई बिल्डिंग है। अब राजू भैया कहाँ चले गए, राजू भैया आ गए ऊपर इस तरीके से, बिल्डिंग में ऊपर आ गए ये, ऐसा है ना, हाँ ऐसा, ठीक। अब ये यहाँ पर खड़े हैं, अब क्या हो रहा है कि नीचे इनको जाते हुए एक क्या दिख गई, चिड़िया दिख गई। चिड़िया नहीं, मान लो कुछ और दिखाते हैं इनको ना, मान लेते हैं इनको क्या दिख गया कि यहाँ पर एक पेड़ था और उस पेड़ से क्या गिरा सर, आम गिरा, मैंगो गिरा, यानी मैंगो यहाँ पर गिरा, है ना। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको देखा कि अच्छा ये तो यहाँ पर गिरा हुआ है, ठीक। अब इनका आँख ये जो होगा ये इस तरीके से होगा, क्लियर हो रही बात। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो ऊपर से बनेगा, एंड दैट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर लोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बच्चा साइन के हेल्प से, कॉस की हेल्प से, टैन की हेल्प से। ये जो भी एंगल्स बनेंगे आपके, वो 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 48 डिग्री 36 मिनट भी हो सकता है, जो आपने पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में देखा था। तो इस तरीके से आपका जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और दूसरी चीज़ आप ये समझ जाओ बच्चा कि यहाँ पर आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंड दैट इज़ बेस। आ रही वचन में, क्योंकि जहाँ पर एंगल होता है उसके ठीक सामने लगा होता है परपेंडिकुलर, तो कहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगा, कहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस आएगा, कहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, इस तरीके से हम करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके बता देते हैं। हाँ, तो इट्स टाइम टू सॉल्व योर एक्सरसाइज। देखते हैं बच्चा एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स फ्रॉम इट्स फुट। यानी क्या कर लीजिए सर, एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फुट मान लेते हैं जहाँ से देखा जा रहा है ये कितना है, तो ये आपका दिया हुआ है 100 मीटर्स। फिर आपसे क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, तो ये बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि इस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है सर, 60 डिग्री बना रहा है। अब क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन इज फाउंड टू बी 60, फाइंड इट्स हाइट ऑफ द टावर। अब टावर का क्या पूछा है, हाइट पूछा है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, एंड दैट इज एच, जो कि आपको फाइंड करना है। अब जैसा कि मैंने बोला बच्चा आपको कि पिछले वीडियो लेक्चर में या पिछले चैप्टर हमने क्या कराया था, आपको वैल्यू कराया था किसका, साइन कॉस टैन का, तो उसका वैल्यू का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये क्या है बच्चा, तो ये आपका है परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है, तो आप बोलोगे कि सर टैन में आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन। बस ग्राफ बना लो, आधा मार्क्स सही मिल जाएगा। सॉल्यूशन में क्या करना है सर, क्या कर लोगे, टैन 60 डिग्री क्यों करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चा, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, तो आप कहोगे कि सर ए बी है, बेस कितना है, तो सर बी सी है। टैन 60 डिग्री की वैल्यू बच्चा आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो जान जाओ इट इज़ रूट थ्री, और ये कितना हो जाएगा, ए बी का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, एच आपने माना है, और ये क्या हो गया आपका 100 हो गया। तो आप जब सॉल्व करोगे सो इट विल बी 100 रूट थ्री, और रूट थ्री का वैल्यू कितना होता है, तो 100 इंटू 1.7324, है ना। तो एच कितना हो गया, ये आपका हो गया 173.2, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि जो टावर की हाइट थी वो कितना था सर, ये आपका था 173.2 मीटर, है ना। तो 60 डिग्री एंगल से क्या किया जा रहा था, उसको देखा जा रहा था। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर।
सेकंड क्वेश्चन आइए उठा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर? तो सेकंड क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, वर्टिकल फ्लैग स्टाफ मतलब इस तरीके से ये हो गया है ना, वर्टिकल फ्लैग स्टाफ स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी किस पर है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, इस तरीके से, ठीक। हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट डिस्टेंस 150 मीटर्स फ्रॉम इट्स फुट, 150 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, इसका मतलब ये कितना दिया आपको, 150 मीटर दे दिया है। फिर क्या कह रहा है, 150 मीटर फ्रॉम इट्स फुट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 30 डिग्री, यानी कि टॉप से यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन पाया गया है वो कितना पाया गया है, दैट इज 30 डिग्री, है ना। तो अब आपसे क्या कह रहा है, फाइंड इट्स हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी कि आपसे फिर क्या पूछा है, फिर आपसे यही चीज़ पूछ लिया है। ये हो गया आपका ए बच्चा, ये हो गया बी, एंड दैट इज सी। यहाँ पर भी क्या है, सेम चीज़ दिया है, तो किसका यूज़ करोगे आप, टेन का यूज़ करोगे, एंड दैट इज़ टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या हो जाएगा सर, एच अपॉन 150। तो इसका वैल्यू लिख देंगे, तो टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, ध्यान देना, टेन 60 का वैल्यू होता है √3, टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना, 1/√3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन 150। तो h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चा, 150/√3। अब देखो क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट थ्री आ गया, जो कि रहना क्या है, पाप है, तो क्या कर दोगे, 150/√3 का ऊपर नीचे क्या कर दीजिए सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू 150/√3 हो गया, 3 से इसको कट पिट कर लो, कितना आ जाएगा, 50 टाइम्स से लगा, तो h इज इक्वल्स टू 50/√3 का वैल्यू 1.732। मल्टीप्लाई कर लीजिए, हाइट कितना आ जाएगा, मीटर में ही आएगा, तो मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ होगा 0, 2 5 10 कैरी, 1 3 5 15 +1 16 कैरी, 1 7 5 35 +1 36 कैरी, 3 5 1 5 +3 कितना हो गया सर, 8 हो गया, तो कितने पॉइंट पर डेसिमल आ जाएगा, 86, तो 86.6 मीटर आपका आंसर आ गया, h इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 86.6 मीटर। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, और अभी तो स्टार्ट ही किया हमने, टोटल 26 क्वेश्चन हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे, कि द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 150 मीटर लॉन्ग, यानी काइट जो है भैया, काइट कहाँ होगा, यहाँ कहीं उड़ रहा होगा, काइट यहाँ कहीं उड़ रहा होगा, तो इसका स्ट्रिंग कैसा होगा, यहाँ से होगा, तो ये कितना हो जाएगा, दिया है आपको 150 मीटर, जो कि उड़ा रहा है भैया हाथ से, है ना, एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितने का एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है 60 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। अब कह रहा है विद हॉरिजॉन्टल फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, अब क्या कह रहा है, हाइट पूछ रहा है काइट का, कि ये बताइए जो लकड़ा है, यानी जो लड़का है, वो पतंग को कितनी ऊंचाई पर उड़ा रहा है, क्योंकि उसका स्ट्रिंग जब 150 मीटर हो गया। अब जितने पतंगबाज बच्चे होंगे एकदम बड़े प्रसन्न हो गए होंगे, वाह मेरे मन लायक क्वेश्चन आ गया, अब तो मैं भी कैलकुलेट करूंगा, बिल्कुल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपको क्या है सर, आपको हाइपोटेन्यूस दिया है, आपसे क्या पूछ रहा है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस किस में आ जाता है, साइन में। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे सर, यहाँ पर आप लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और इसका मतलब कितना हो जाएगा, एच अपॉन, यहाँ नाम लिख दो यार, ए बी सी, एच अपॉन कितना हो जाएगा, या फिर मान लो इसको लिख लीजिए एक स्टेप बढ़ा करके, ए बी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो लर्न कर लेना सब लोग, √3/2 होती है, ए बी का वैल्यू एच है, ए सी का वैल्यू 150 है, इस साइड लेकर के चले जाओ तो हो जाएगा 150√3 इज इक्वल्स टू 2h, इस साइड लेकर के आ जाएंगे तो h इज इक्वल्स टू 150√3/2 हो जाएगा, कट पिट कर लो, h इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चा, 75/√3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √3 का वैल्यू होता है 1.732, ये तो आपको लर्न भी हो गया होगा, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 75 का मल्टीप्लाई किससे कर लो, 1732 से कर दो, 1732 से कर दीजिए, यही है, 5 2 10 15 + 1 16 35 + 1 36 और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 2 14 21 + 22 14 9 + 2 कितना हो जाएगा, 51 7 7 + 5 कितना हो गया, 12 0 0 9 9 2 1 कितने डेसिमल है, 3 डिजिट बाद, यानी आंसर कितना आ गया, 129.9 मीटर्स, 129.9 मीटर्स आपका क्या आ गया सर, आंसर आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में चलते हैं,
इसका मतलब कि काइट कितनी ऊंचाई पर है, 129.9 मीटर की हाइट पर है। तो आप कहोगे कि सर ये बताइए तब इतना ज़्यादा स्ट्रिंग का ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि बच्चा ये जो है आपका ये फुट से है, ध्यान देना यहाँ से है, और आप इस तरीके से उड़ा रहे तो राइट साइड एकदम स्ट्रेट तो उड़ाओगे नहीं, थोड़ा सा साइड में ही होगा, इसीलिए क्या होगा उसका हाइट कम है। अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बच्चा आपको दो ग्राफ्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको दो ग्राफ्स दिए हुए हैं, क्या क्या है ग्राफ आइए प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पर सूरज बनाया जाएगा, सूरज दादा बनाया यहाँ पे इस तरीके से, बहुत बढ़िया सुंदर से सूरज दादा बनाए गए हैं, है ना। तो यहाँ से क्या कर दिया गया है कि रे कहाँ पर आ रहा है, अर्थ पर आ रहा है। पहले ग्राफ बनाते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे इस तरीके से। और ये आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर आकर के मिल रहा है, यानी एंगल बना रहा है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। इसको ए माना गया, इसको बी माना गया, इसको ए माना गया, इसको बी माना गया, क्योंकि ये सन है तो इसको क्या मान लिया गया, एस मान लिया गया, ठीक। और ये आपको दिया है एच, ये आपको दिया 30 मीटर, हाँ। तो आपसे जाहिर सी बात है क्या पूछा होगा, हाइट पूछा होगा। सेकेंड वाला ग्राफ क्या है बच्चा, सेकंड, अच्छा ये देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ध्यान दीजिएगा सर, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर भी सन बना लो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, अब क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। यानी दोबारा जो ग्राफ बना इसमें क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन, कितने एंगल है, 60 डिग्री दिया हुआ है, अच्छा 30 डिग्री दिया हुआ है, माफ़ करिएगा 30 डिग्री दिया हुआ है ना। और ये कितना बना रहा है, ये आपका बना रहा है 60 डिग्री, ये आपका एंगल बना रहा है 60 डिग्री। बढ़िया क्वेश्चन है सर, ये दे दिया आपको h, ये दे दिया आपको x, यहाँ पर वैल्यू क्या है, दे दिया b c d, यहाँ b कर दिया, यहाँ c कर दिया, यहाँ d कर दिया, अच्छा जी बहुत ध्यान समझिएगा। अब c का मतलब क्या है, सन, c का मतलब क्या है, सन, तो यहाँ भी क्या कर लीजिए, c कर लीजिए। तो ये बताओ बच्चा, जब इस ग्राफ से आप वैल्यू निकाल लोगे b और c का, तो इस वाले ग्राफ में जब हम b और c का वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू फाइंड नहीं हो जाएगी। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन का, देखो क्वेश्चन में ग्राफ देख करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या गिवेन है सर, आपको गिवेन है बेस, पूछ रहा है आपसे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस किस में आ जाएगा, टेन में आ जाएगा, तो तुरंत आ जाओ टेन 30 डिग्री ले करके। और यहाँ पर क्या लिख दोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है सर, तो इट इज़ बी सी अपॉन क्या है, ए बी है, वाला सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे। अब क्या करते हैं, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू बी सी, मतलब कितना है एच आपको फाइंड करना, और ए बी का मतलब कितना हो गया सर, 30 हो गया। इस तरफ लेकर के जाओ तो एच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 30/√3 × √3/√3। तो एच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चा, 30√3/3, काटा पीटी कर लो तो एच की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 10 × 1.732। तो हाइट कितना निकल करके आ गया, 17.32 मीटर्स निकल करके आ गया। इसका मतलब ये जो हाइट आया कितना है, 17.32 मीटर्स आ गया। अब लेकिन ध्यान देना कि अब क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो 30 डिग्री है, ये अब वैल्यू कितना दे दिया आपको, 60 डिग्री दे दिया है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसके अकॉर्डिंग भी देखो तो यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर दिया है, बेस पूछ रहा है परपेंडिकुलर, क्योंकि आपने निकाल लिया है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, नाउ यहाँ पर भी किसका यूज़ करोगे आप, टेन 60 डिग्री का ही यूज़ करोगे, परपेंडिकुलर यानी कि बी सी अपॉन बेस मतलब कि क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो टेन 60 का वैल्यू होता है सर √3, बी सी का मतलब कितना दिया हुआ है एच, और अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो √3 इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू कितनी है, 17.32 अपॉन एक्स हो गया, इसको उस साइड भेज दो, ये आपका हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 17.32। अब ये बताओ √3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मैं डायरेक्ट 1.732 कर दूँ। अब देखो क्या हो रहा है बच्चा कि √3 को नीचे लेकर के आओगे फिर आप क्या करोगे, रेशनलाइज कर दोगे, घूम फिर के काम वही करना है। तो 17.32 यहाँ दिया है, 1.732 यहाँ दिया, डायरेक्ट कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 10 मीटर आ गया। इसका मतलब ये जो बेस निकल करके आया ये कितना आ गया, ये आपका 10 मीटर आ गया, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फोर्थ के फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर जो है वो आपका एच इज इक्वल्स टू हाइट कितना है, 17.32 मीटर आया है, उसी हाइट पर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी आपका हो गया सॉल्व। चलो बच्चा इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में देखो अब घर बन रहा है, आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में घर को बहुत धूमधाम से। क्वेश्चन कह रहा है फिफ्थ में सर कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर विच इज़ येट कम्प्लीटेड, यानी कम्प्लीट नहीं हुआ है, एट अ पॉइंट 120 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 45 डिग्री है,
यानी ये इस तरीके से ग्राफ बना लो, ये है आपका 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री हो गया। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब क्या कह रहे थे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर विच इज़ ए कम्प्लीट एट अ पॉइंट 120 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज हाउ मच हायर शुड इट बी रेज्ड सो दैट द एलिवेशन ऑफ द सेम पॉइंट मे बिकम 60 डिग्री। यानी ये आपको कितना दिया बच्चा, 120 मीटर दिया हुआ है, ये आपका एच है ना। अब ये कह रहे हैं कि बताइए इसको और कितना ऊंचा बनवा दिया जाए कि जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा 60 डिग्री हो जाए। तो पहले आप ये निकाल लो, फिर ये भी निकाल लिया जाएगा, इसको नाम मैं डी दे देता हूँ, है ना। तो आइए करते हैं भैया, क्या क्या करना है इसमें। तो पहले देखो आप क्या क्या गिवन है। आप कहो कि सर एंगल तो गिवन है, बहुत बढ़िया, आपको परपेंडिकुलर बेस पता है। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आ जाएगा, टेन में। देखो मैक्सिमम टेन का यूज़ हो रहा है ना, तो टेन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि बी सी अपॉन कितना हो गया सर, ए बी हो गया। बस ग्राफ बनाना सीख जाओ, ये क्वेश्चन बनाना सीख जाओ, काम आपका बहुत धूमधाम से निकल जाएगा। इसकी वैल्यू आ गई 1, बी सी यानी कितना हो गया बच्चा, एच हो गया, और ए बी कितना हो गया, 120 मीटर्स हो गए। तो हाइट डायरेक्ट कितना आ गया आपका, 120 मीटर। इसका मतलब कि आपका हाइट भी कितना हो गया, 120 मीटर हो गया। अब इनका कहना हम क्या है कि बताइए कितना ऊंचा बनाया जाए। अगर मान लेते हैं नाउ, नाउ तो यहाँ पर किसका यूज़ करोगे बच्चा, अब आप यूज़ करेंगे टेन 60 डिग्री का, और ये 60 डिग्री यहाँ से नहीं होगा, ये 60 डिग्री पूरा हो जाएगा, क्योंकि 40 डिग्री यहाँ से था, 60 डिग्री यहाँ से हो जाएगा। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगा, क्योंकि आप पूरे की बात करें तो बी सी प्लस सी डी क्या हो जाएगा सर, बी सी प्लस सी डी अपॉन बेस कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए बी। निकाल लेते हैं टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सो इट इज़ बच्चा √3, ठीक है। बी सी प्लस सी डी यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 120 मीटर, 120 मीटर। इसको आप क्या मान लीजिए बच्चा, इसको एक्स मान लो, तो एक्स प्लस एच हो गया, अपॉन प्लस कितना हो गया, एक्स हो गया, होल अपॉन कितना हो गया, ए बी, यानी कि 120 मीटर हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा मित्र, ये हो जाएगा 120 √3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 120 + x हो जाएगा। इसको इस साइड लेते आओ तो 120 √3 - 120 इज इक्वल्स टू x, 120 कॉमन कर लोगे, ये हो जाएगा बच्चा आपका √3 - 1 इज इक्वल्स टू x। तो 120 ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1.732 - 1 इज इक्वल्स टू x, तो ये आपका हो जाएगा 120 × ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.732 इज इक्वल्स टू 0, 0.732 क्योंकि 1.000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 0 आ गया। 12 × 2 सा कितना हो जाएगा सर, 24, कैरी कितना आ गया 2, 12 × 3 = 36, 36 + 2 कितना हो जाएगा 38, कैरी कितना हो गया 3, 12 × 7 = 12 कितना हो जाएगा, तो भैया ये आपका हो जाएगा 84, 84 और 3 कितना हो जाएगा 87, तो आपका आंसर कितना आ गया 1 2 3, तो एक मिनट 1 2 3 1 2 3 87.84 मीटर आपका क्या आ गया, हाइट आ गया। इसका मतलब कि ये टोटल कितना होना चाहिए, एक्स की वैल्यू कितनी आई है। अब बहुत ध्यान समझिएगा बच्चा कि जब इन दोनों को हमने सम कर दिया तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 87.84 मीटर, और ऊंचा अगर ये बनवा लेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाएगा। टोटल लेंथ आपसे नहीं पूछा है, लेकिन अगर टोटल लेंथ पूछता तो क्या करते, 120 में 87.7 को आप ऐड कर देते तो 207.84 हो जाता। तो इस तरीके से बच्चा क्वेश्चन नंबर 5th भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए बहुत लेंदी वीडियो लेक्चर नहीं करेंगे, आराम आराम से करेंगे, बहुत टाइम है, एकदम धूमधाम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस का टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग दिसंबर से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, और जैसा हमने बोला है वैसा हम करेंगे भी। हर संडे को बच्चे हम लाइव आते हैं, तो लाइव ज़रूर जुड़ा करें हमसे, क्योंकि लाइव जुड़ने के बाद हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है, चीज़ें आपसे डिस्कस करके, बातें करके, हम क्या करने वाले उसके बारे में आपको बताते हैं, आपको कौन से चैप्टर में लग रहा है कि बहुत टफ है आप हमसे पूछते हो, तो वो चीज़ें भी आपको बताई जाती है। तो उसको ज्वाइन ज़रूर किया करिए, क्योंकि रात में 8 बजे कर रहा हूँ लाइव हम आते हैं, तो कम्युनिटी पोस्ट आप चेक कर लिया करिए। फिलहाल बच्चा चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो अब देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 तो आपका ठीक है, लेकिन 7 जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे पिछले वीडियो लेक्चर में चिल्ला रहे थे कि सर ये बताइए कि जो टेबल वाला आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो एग्जाम में नहीं आता है, भैया देखो यहाँ पर आपको वैल्यू गिवन होगा, बुक ओपन करिए और देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 140 मीटर हाई, यानी कि एक टावर है, हाइट कितना है 140 मीटर,
ठीक। और इसका जो बेस लेंथ दिया है ये कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया 200 मीटर, ये 200 मीटर दे दिया है। आपसे क्या पूछा है बच्चा, आपसे ये एंगल पूछा है, इस एंगल को मान लिया मैंने थीटा, ये एंगल आपसे पूछा हुआ है। तो आइए इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। अब बच्चा बताओ इस ग्राफ में या इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो आपको कैसे परपेंडिकुलर है हमारे पास और बेस भी है हमारे पास ए बी सी, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों किस में आता है, टेन में। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, थीटा किस में, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन ये कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए बी का मतलब 140 मीटर और बी सी का मतलब कितना हो जाएगा बच्चा, 200 मीटर, जीरो से जीरो उड़ गया, इस तरीके से चला गया, कितना आ गया 7/10। अब 7/10 का मतलब क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0.7 आ गया। अब 0.7 देखो आपके बुक में ही और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो दे देगा साइड में कि 0.7 वैल्यू किसकी है, तो ये है आपकी कहाँ गया यार, हाँ 0.7 वैल्यू किसकी है, इक्वेशन नंबर कौन सा है, 6 है ना। तो 0.7 जो है वो वैल्यू आपका है टेन 35 डिग्री का, किसका है, टेन 35 डिग्री का। तो आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर एक पॉइंट आप लिखेंगे, सिंस टेन 35 डिग्री इज इक्वल्स टू 0.7, देयरफोर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा, 35 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये कितना आ गया, ये आपका गया थीटा इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। अब इसको निकालने का एक तरीका होता है, वो चीज़ आप सीख लो जो कि आपके बुक में नहीं दिया है, 11th की चीज़ें, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है आपको, टेन थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा का वैल्यू कितना आया है, 0.7 आता है, और आपके बुक में गिवन, और आपको भी पता है बच्चा कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, टेन 35 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। तो टेन से टेन ऐसे में क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, और थीटा का वैल्यू कितना होता है, 35 डिग्री हो जाता है। आ रही बात समझ में, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 35 डिग्री, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया आपका खत्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, चलिए इसको इरेज करके वो सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा। तो आपका जो चैप्टर 17 का क्वेश्चन नंबर क्लास 10th में 7th है, वो क्या कह रहा है कि अब वर्टिकल टावर इज 20 मीटर हाई, यानी कि एक वर्टिकल टावर है बच्चा जो कितना हाइट है उसका 20 मीटर, ये गिवन है 20 मीटर हाई। अब क्या कह रहा है सर आपसे, यहाँ पर कह रहा है कि अ मैन एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, यानी टावर से कुछ दूरी पर है, नोज दैट द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 0.53। अब कोसाइन का मतलब क्या है, कॉस, और कॉस थीटा कितना उनको पता है, उन भाई साहब को पता है कि जो कॉस थीटा है वो कितना है, ये आपका 0.53 वैल्यू कितना है, 0.53, यानी यहाँ पर एंगल का वैल्यू दे दिया है, एंगल का डायरेक्ट वैल्यू दे दिया आपको, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपसे, अब कह रहा है ठीक है, नो दैट द कोसाइन ऑफ द टावर इतना 53, हाउ फार इज द स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, इसको आप कैलकुलेट कर लो, इसको आप एक्सलेट कर लीजिए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, और इसको मान लीजिए सी, और ये आप क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप चलिए सॉल्व कर लेते हैं। कॉस का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है यहाँ पर, इसको आप क्या मान लो, हाइपोटेनस को मान लेते हैं, चलो ए सी मानिए, है ना, ये 20 मीटर, या तो इसको चलो एच ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एच मान लेते हैं। अब कॉस थीटा, तो कॉस 0.53 वैल्यू किसकी है, एक बार की बुक में ही गिवन है, 0.53 वैल्यू है सर कॉस 58 डिग्री की, कॉस 58 डिग्री की, है ना। अब ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, बी सी, और हाइपोटेनस का मतलब क्या हो जाएगा, ए सी। अब यहाँ पर बी सी का मतलब कितना है, एक्स है, और ए सी का मतलब कितना है सर, एच है, ये हो गया आपका एक्स, और ये आपका कितना हो गया, एच। कॉस 58 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0.53 इज इक्वल्स टू। अब बी सी का मतलब क्या हो गया सर, ये आपका हो गया, चलो ठीक है मान लेते हैं बी सी, यानी कि ये हो गया आपका एक्स, ये क्या हो गया बच्चा, आपका एक्स हो गया। हाइपोटेनस की बात करें, तो हाइपोटेनस क्या होता है, बहुत ध्यान समझो, जो आपको हाइपोटेनस होता है, आपने पढ़ाया पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बहुत ध्यान समझिएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एच की जगह पर आप क्या रखोगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 20 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, बहुत ध्यान समझना, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, अब लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपका हाइपोटेनस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है, लेकिन चलो अच्छा मैं साइड में कर देता हूँ एक चीज़,
ये चीज़ मैं साइड में कर देता हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, इसमें यही आपका टर्निंग पॉइंट है, इसीलिए क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आप लिखोगे सिंस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसको साइड में कर लेना। तो हाइपोटेनस क्या है बच्चा, यहाँ पर आपने स्मॉल एच माना तो एच स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस बेस यानी कि आपने कितना लिट किया है एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा, रूट ओवर 20 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 20 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, 20 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब सॉल्यूशन मैं यहाँ से कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो 58 की वैल्यू कितनी दी हुई बच्चा, 0.53 इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एक्स, और ये जो आपका आया है एक्स, एक्स का मतलब क्या है बच्चा, बेस, और हाइपोटेनस की जगह आप क्या लिखोगे, अब हाइपोटेनस की जगह आप लिखेंगे 20 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, 20 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ लिखोगे, रूट के अंदर। अब क्योंकि आपको रूट को क्या करना है सर, ख़त्म करना है, तो यहाँ पर आप कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब दोनों साइड आप स्क्वायर कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 0.53 इंटू 0.53, ये कितना हो जाएगा बच्चा एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर जो कि बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब 0.53 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 53 इंटू 53 निकाल लेते हैं, 3 3 9, 3 5 15, 5 3 15, 5 5 25 प्लस 1 26, ये आ गया 9, ये कितना आ गया बच्चा आपका, ये आपका आ गया 9, 5 5 10, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8, और ये कितना हो गया 2, कितने डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये आपका वैल्यू आ गया 0.2809, क्या गया 0.2809, ये कितना हो गया बच्चा, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 प्लस कितना हो गया बच्चा एक्स स्क्वायर हो गया। इस साइड लेते आइए तो ये कितना हो जाएगा 400 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 0.2809 से कर देंगे, यहाँ कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो आपके बुक में गिवन है कि आपका जो टेन का वैल्यू होता है तो टेन का वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। अब 0.2809 का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करेंगे क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कौन सा भाई है ये है, तो मल्टीप्लीकेशन ओवर कुछ एक प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी है ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, एक बार कॉमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कोई और प्रॉपर्टी बताना। तो 400 का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 0.2809 से। अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, 400 को ये बताइए क्या हम 4 × 100 कर सकते हैं, तो इसका 2 0 यहाँ पर आ जाएगा है ना, तो ये 28 पॉइंट हो जाएगा। तो 100 का मल्टीप्लाई 4 से कर दोगे 400, और क्या दिया है बच्चा यहाँ प्लस का साइन दिया तो प्लस कर लो, इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कर लो तो 0.2809 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस 0.2809 एक्स स्क्वायर कर दिया आपने, इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चा ये उस साइड चला गया, तो ये कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो तो आपका हो जाएगा 4 × 28.09 हो गया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो कितना हो जाएगा 1 − 0.2809 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 9 36, पॉइंट लगा लो 8 4 जा 36, कैरी 3 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 कितना हो गया सर 116.36 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू, माइनस कर दो इसको तो 10 − 9 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 9 यहाँ पर आ गया, और 9 − 8 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 − 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा 0.7191 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.36 एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 0.7191। अब देखो ये 8 4 32 माफ़ करिएगा, 8 4 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 32, तो आपका कितना आ गया 112.36। अब यहाँ पर कितना आ गया बच्चा 112.36 आ गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ पर लिख लो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 112.36 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 0.7191। इसको कटपिट करना मल्टीप्लाई करके तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1256 और 0.25 1256.25 आ जाएगा, और जब इसको आप सॉल्व करोगे 125.625 ना 125 पॉइंट हाँ जी 12
ट्वेल्व टेन्स ऑफ 120 और 36 कितना हो जाएगा सर, 36 और 150 156। हाँ तो ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 156, माफ़ करेगा 1256 नहीं आएगा, 156.25 से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर है उधर जाकर के रूट आ जाएगा, तो 156.25 सॉल्व करने के बाद ये किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चा, तो ये आपका आ जाएगा 12.5 मीटर का। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12.5 मीटर, और यही आपको क्या था आंसर पूछा था। तो चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर इसी तरीके सेवन भी आपका खत्म हो गया। देखो बच्चा इस वीडियो लेक्चर को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं, तो यहीं पर इस वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व कर रहे होंगे, और दो वीडियो लेक्चर और लगेगा और ये आपका पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं। वैसे मेरा तो मन है कि चैप्टर 17 कंप्लीट करने के बाद मैं चैप्टर 18 स्टार्ट कर दूं। तो चलिए फिर, मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। मज़ा आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।